राजेश जी सर, स्टार्ट किया जाए। अपना परिचय दो, नाम छोड़ करके। सर मैं हाजीपुर वैशाली से हूँ। मैंने 10वीं 2006 में श्री हेमंत सिंह उच्च विद्यालय चिंतामणिपुर वैशाली, 12वीं 2008 में सत्येंद्र नारायण सिंह कॉलेज हाजीपुर से, और स्नातक 2011 में अवध बिहारी सिंह कॉलेज लालगंज वैशाली से की। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शनल क्या है? सर फिलोसफी है। ऑप्शनल क्या है दीपा? ऑप्शनल क्या है? फिलोसफी है। पोस्ट प्रेफरेंस बताओ। सर बिहार प्रशासनिक सेवा। चल, और कोई दूसरा? बिहार राजस्व सेवा। अच्छा, आप मुझे बताएं तीन ऐसी महिलाओं का नाम वर्तमान में जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। वर्तमान में तीन ऐसी महिलाओं का नाम बताइए। वर्तमान में जो हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। और सर हमारे राष्ट्रपति रह चुकी हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तीसरा सर मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हुई, जो जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, श्रीमती सीता देवी। पार्टन कौन सा? सीता देवी। सीता देवी, सीता देवी। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ निर्मला सीतारमण फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण में नीला निर्मला सीतारमण ने क्या योगदान दिया बताओ तो? सर वो हमारी देश की पहली वित्त मंत्री हैं। और It doesn't sound good. Go on. सर पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ये आप बोलना चाह रही हैं ना? यस मैम, यस सर। अच्छा, 100% श्योर हैं? यस सर। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन क्या है? I am talking about women empowerment. Okay sir. किसी महिला के, एक मिनट, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी, क्या इससे संपूर्ण महिला सशक्त हो गई? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वैसी महिला जिसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया है, उस तरह से मैंने पूछना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण का क्या कंट्रीब्यूशन? प्रतिभा देवी पाटिल का क्या कंट्रीब्यूशन? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। फिलोसफी आपका ऑप्शनल है। मुझे कुछ पाइथागोरस का नाम सुना है। सॉरी सर, पाइथागोरस का नाम नहीं सुना है? अच्छा, कोई बात नहीं। अंतर्बोध और विज्ञान में क्या अंतर है? सर अंतर्बोध का तात्पर्य है कि अपने मन का बोध, अपने अंतरात्मा का जो ज्ञान होता है उसे अंतर्बोध कहा जाता है। और सर विज्ञान जिस जो किसी खास वस्तु की खोज की जाती है, ज्ञान का। सर मेरी अंतर्बोध बताइए। सर इसमें सॉरी सर स्पष्ट जानकारी नहीं है। अच्छा, जैन फिलोसफी को देखा है आपने? यस सर। जैन फिलोसफी,
यस सर। व्हाट इज पुद्गल, पुद्गल क्या है? यस सर, जब आत्मा शरीर को धारण करते, एक मांस पेशियों से बना जो शरीर है उसे पुद्गल कहा गया। चलिए, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने इसका दिया था, इसके अलावा पूर्व मीमांसा के विकास में किसका योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है? सर, पूर्व मीमांसा के योगदान में सर महर्षि जैमिनी का योगदान माना जाता है। वो तो मैंने बोला, इसके अलावा सर वादरायन, महर्षि वादरायन का। और चलिए, अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग क्या है सर? ये योग दर्शन में एक अष्टांग योग की बात की गई है, जिसमें आठ मार्ग बतलाए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। बताइए कौन कौन मार्ग है सर? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। व्यायाम, धारण, ध्यान, समाधि। अच्छा, न्याय और वैशेषिक दर्शन में क्या अंतर है? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। प्लेटो के विज्ञानवाद, उस पर किसका प्रभाव? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अनेकांतवाद क्या है? जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है अनेकांतवाद, जिसके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपूर्ण ज्ञान को नहीं जान सकता है, तो इसलिए अनेकांतवाद की चर्चा की गई, जिसमें अनेक वस्तु के अनेक गुणधर्म होते हैं। और अनेकांतवाद तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, अनेकांतवाद को ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के तहत स्पष्टीकरण के लिए सप्तभंगी ने की चर्चा की गई है। अच्छा, और बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है? सर, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत कार्य कारण पर। समझाइए क्या है सर? प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों के मेल से बना है, प्रतीत और समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ होता है एक के उपस्थिति में, समुत्पाद का अर्थ होता है किसी दूसरे की उत्पत्ति। तो इसे कार्य कारण सिद्धांत, अन्य दार्शनिकों के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में पहले से मौजूद। तो इसमें ये बताएं कैसे, दिखाएं जो चार जैसे चार आठ सत्य बताए गए हैं उसको दर्शाएं। प्रतीत समुत्पाद की, प्रतीत समुत्पाद की चार आठ सत्य बताए गए हैं, उसके बारे में बताएं। चार आठ सत्य दुख, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान संभव है, और दुख निदान के अष्टांगिन मार्ग बतलाए हैं। क्या है दुख का कारण? क्या है सर? दुख का कारण द्वादश निदान को, द्वादश निदान को बतलाए गए, बारह चक्र जिसे बतलाए गए। अच्छा, दुख का कारण क्या है सर? जैसे हिंसा, जरा मरण, भाव, जाति। दुख का कारण अविद्या है। यस सर। चलिए, विकास जी। सर, मैम, आपका ग्रेजुएशन में लिटरेचर रहा है, आप बता सकती हैं कि साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है? जैसा कि लिटरेचर के बारे में कहा जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो सर मुझे लगता है कि एक समाज को समझने का एक नजरिया प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को समझ पाएंगे।
जो प्रशासन में अहम भूमिका निभाए। और कुछ? ओके, शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट हैं या पोएट हैं? शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट भी है और पोएट। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? कुछ पोएट्री उनकी बताइए जो उन्होंने लिखा। सर पोएट्री, सॉरी सर, पोएट्री तो याद नहीं आ रहा अभी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, बुद्धा सर्किट का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ये बुद्धा सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, ये क्या है? सर एक पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास किया जा रहा है, जहाँ पे जो भगवान महावीर का जो भी स्थली है या फिर जो भी उनका निर्वाण प्राप्ति है, तो उनसे ये जगहों को जोड़ा जा रहा है, पर्यटन स्थली के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। जैन सर्किट? यस सर, जैन सर्किट। और बुद्धा सर्किट में भी जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर जहाँ पे निर्वाण प्राप्ति हुई, तो वो सब जगहों को पर्यटन के और रामायण सर्किट में भी भगवान राम की जो भी स्थली है उनको जोड़े जा रहे हैं। ओके, हाल के दिनों में देख रहे हैं कि ईरान के साथ भारत के जो रिलेशंस है वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ तक कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, तो कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में एक समझौता हुआ है यूएई और इजराइल के बीच, जो कि इससे ईरान के साथ इंडिया का जो रिलेशंस है, लाइक चाबार पोर्ट से उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट इंडिया को किया, ये यूएई आने के, यूएई डील के पहले का है, पहले। तो किस वजह से ये प्रॉब्लम आया? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाए गए थे जिसका काम शायद पूरा नहीं हुआ है, और रेल परियोजना के लिए जो कार्य किए गए थे वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तो ईरान का स्टैंड है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी, किसी और कंट्री के साथ रिलेशंस की वजह से? सर ये जो भारत और अमेरिका का अभी वर्तमान में जो अच्छे रिलेशन है, सर मुझे लगता है कि कारण ज्ञान का जो संबंध। ओके, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री माना जाता है, हमारे संविधान में भी कहते हैं कि वी आर सेकुलर, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का किसी हिंदू के मंदिर को उद्घाटन करने जाना, क्या ये हमारे धर्मनिरपेक्षता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? सर जहाँ तक कि मेरा मानना है सर कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो सभी को अपने अपने धर्मों की मानने की स्वतंत्रता दी गई है, तो वहाँ पे उनका जाना वो खुद का उनका निजी फैसला है। पर वहाँ पे वो प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए गए हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या एक प्रधानमंत्री का उस जगह पर जाना उचित है, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि जैसा कि मेरा देश पंथ निरपेक्ष है, तो वो उनका निजी फैसला है, मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं। अच्छा, आपके आप हाजीपुर जिले की हैं, इसकी बाउंड्री चौहद्दी क्या क्या है? वैशाली जिला में हाजीपुर पड़ता है। ठीक है, आप वैशाली जिला का बताइए। वैशाली के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना और पश्चिम में सारण और पूर्व में समस्तीपुर। ओके, आपके जिले की लिटरेसी रेट कितनी है? 66.06। आपके जिले का बिहार के ग्रोथ में, बिहार की समृद्धि में क्या योगदान है? सर वर्तमान में अभी एक जैसे कि भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, एक बुद्धा सर्किट के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में, और भगवान महावीर की जन्म स्थली है तो जैन सर्किट के रूप में, और फिर एक रामचौरा मंदिर है जो हाजीपुर में पड़ता है, तो एक रामायण सर्किट के रूप में इसका विकास किया जा रहा है, तो एक पर्यटन के क्षेत्र में इसका विकास किया जा रहा है। दूसरा सर एक खाद प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और तीसरा सर हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन जो योजना थी उसमें मेरा वैशाली जिला
सेकंड पोजीशन पे है अपने कार्यों को करने में। आपकी हॉबीज क्या हैं? बिहार में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। अच्छा, बिहार के कुछ लोक नृत्य का नाम बताइए। जैसा कि मुझे पसंद है उसमें एक कर्मा आता है, सामा चकेवा, फिर सरिया झूमर, फिर डोमकच। बहुत सारे बिहार के लोक नृत्य जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप अपने क्षेत्र में इन पुरानी जो हमारी कलाएं हैं इनको विलुप्त होने से कैसे बचाएंगी, क्या प्रयास करेंगे? जैसे कि जो भी कोई लोक नृत्य, जो भी कोई लोक नृत्य होते हैं तो वो लोगों से जुड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके जरिए हम एक संवाद के रूप में उनसे बात करने की कोशिश की जा सकती है। तो जो भी लोग, जो भी कलाकार अगर इसमें रुचि लेते हैं तो उनको भागीदारी, जैसा कि एक राजगीर महोत्सव में भी बिहार को रिप्रेजेंट किया जाता है लोक नृत्य के माध्यम से, वैशाली महोत्सव में भी रिप्रेजेंट किया, मुझे लगता है इसे बढ़ावा दिया। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न, महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया है, और फिर जो भी सरकारी नौकरी है उसमें 35% का आरक्षण दिया गया, और हाल ही में शिक्षक नियोजन में 50% का आरक्षण दिया गया, और कई ऐसी योजनाएं स्कूली शिक्षा के स्तर पर चलाई जा रही है। जैसे आरक्षण के अलावे कोई योजनाएं? हाँ सर, जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना, और फिर 10th के बाद 12th के लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ओके सर, साल जी पूछिए। जी सर, मैम बोलिए, महिलाओं का जो आरक्षण 35% दिया गया, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है या वर्टिकल है? अच्छा, ये रिजर्वेशन संवैधानिक है या नहीं? अगर संवैधानिक है तो किस आर्टिकल के तहत? जैसा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में सर, थोड़ा सा मुझे कंफर्म इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अभी मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही। हाँ बताइए बताइए, आगे बढ़िए। 15(4) और 16(4) में इसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक आरक्षण की बात कही गई। नहीं नहीं, महिला आरक्षण तो उस तरफ नहीं है ना, जेंडर रिजर्वेशन हो गया। 53 मतलब ये जो रिजर्वेशन है ये तो वैसा नहीं है, उसमें जो भी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन सभी को आरक्षण की बात की गई है। तो महिला मतलब किसी तरह का उसमें बंटवारा नहीं किया गया, पूरा महिला में फ्लैट दे दिया गया 35%। तो इसमें तो बहुत से जो पहले से ठीक हैं वो लोग भी उनका फायदा उठाएंगे, और जो कोई टारगेटेड ग्रुप हो जिनकी स्थिति वाकई कमजोर है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक हो सकता था। तो ये आपको कैसा लगता है, ये संवैधानिक है या बस एक पॉलिटिकल? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो सर पॉलिटिकल ही इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये जो आरक्षण है एक इसमें शायद सर 10 साल पे इसको कुछ करने के बारे में बताया गया था, इसका सर्वेक्षण करने के लिए। अच्छा चलिए, इसके अलावा जो रिजर्वेशन कहीं भी दिया जा रहा है जैसे EWS दिया गया, इसका नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि जो रिजर्वेशन के लिए जो मतलब ये नहीं है वो भी रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं, और फिर इसका
सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा मैं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह से रिजर्वेशन दे दे के पता चला इस रिजर्वेशन का मीनिंग को खत्म करने की एक कोशिश है? ये सर, तो इसीलिए शायद सर 10 मतलब रिजर्वेशन को अस्थाई नहीं कहा गया था संविधान के तहत भी, और इसमें सुधार करने की बात भी की गई थी। चलिए, लिटरेसी रेट जो भारत का है 70 कितना है, कितना परसेंट है? कहाँ का सर? भारत का लिटरेसी रेट 71%। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट याद 74 के करीब है। तो उसमें मैक्सिमम जो इलिटरेसी का कंट्रीब्यूशन है उसका, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? महिलाओं का। महिलाओं का एग्जैक्टली, और जो एससी एसटी जो नॉर्म है वो उनका कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो स्थिति 70 साल पहले थी किसी एक विशेष वर्ग की, उसके स्थिति में बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है, और जो एक वर्ग थे जिनमें जो उस टाइम भी ठीक थे उनमें परिवर्तन आया है अभी भी। तो रिजर्वेशन इस स्थिति में क्या लगता है कि अभी और रहना चाहिए था, ऐसा लगता है आपको? सर हाँ, यस सर, रहना चाहिए, मतलब कि अभी जो भी सुधार है उसमें परिवर्तन के बाद ही किया जाना। चलिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस, उसमें एक राष्ट्र एक कार्ड, आप सुने होंगे, इसका नकारात्मक क्या पहलू है? सर इसका नकारात्मक जो भी, एक तो जो संयुक्त परिवार है सर, मुझे लगता है मेरे अनुसार जो संयुक्त परिवार जो एक साथ गांव में रह रहे हैं, अगर ये मतलब ये लाभ उनको दिया जा रहा है, तो अगर वो अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पे भी ये लाभ उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का खंडन देखने लोग ज्यादा उस तरफ मूव करेंगे। तो चलिए ठीक ठीक है दीपा, कल तुमको फीडबैक देंगे, ठीक है, 3 से 4:30 के बीच में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। आप बताइए सर। हाँ विकास जी, इस दीपा में क्या लगा आपको? सर पूरे सेशन के दौरान बहुत स्ट्रेस में लग रही थी ये, मे बी एक रीजन की इनका बहुत सर ऑप्शनल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, आपने काफी क्वेश्चन पूछे उनसे उसमें भी बहुत कंफर्टेबल नहीं देखी इसलिए, लेकिन लेटर ऑन जहाँ पे बायोटा वगैरह के पार्ट हम पूछ रहे थे वहाँ पे आंसर को लगभग अच्छा दे रही थी, फिर भी स्ट्रेस में दिख रही थी। तो इनको कम से कम सर डेली किसी टॉपिक पे 10-15 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर कंटिन्यूअस बोलने का प्रैक्टिस करना होगा कि वो पूरा पूरा फ्री होकर बोल सके, क्योंकि जब तक वो खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे मिरर में तब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं। तो किसी एक टॉपिक पे रोज सर वो 10 मिनट या 15 मिनट मिरर प्रैक्टिस जरूर करें, इनके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा करेंगे तब। इसलिए ग्रुप से जुड़ी हुई पहले से, ठीक है, अच्छा, और फेशियल एक्सप्रेशन इसका कई दिनों से हम इसको समझा रहे हैं, तुम इसको ठीक करो। तो कह रहा कि सर ऐसा ही मेरा है, हम कहे कि नहीं तुमको ऐसा थोड़ा सा करना होगा, ठीक है, और ऑप्शनल में भी इसकी गड़बड़ी है, हमने कुछ कुछ भेजा है फिर आज हम इसको भेज देते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की ऑनर से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वहां एकदम ये साइफर हो जाती है। आपने भी पूछा एक भी पोएट्री का जी, उन्होंने पोएट कहा कि वो है लेकिन एक भी पोएट्री नहीं बता सकी, ये थोड़ा सा वो लगा मुझे भी। मैंने पिछली बार पूछा था तो वो नहीं बता सकी, इसको बोले सर पॉइंट मटेरियल भेज दीजिए करेंगे, लेकिन इसका एक्सप्रेशन पर तो उसको ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि सैडनेस नजर आता है पूरा। जी एग्जैक्टली सर। अभी अभी आप रहिएगा, एक और ले लें कि जाइए। ठीक है सर, एक और